धर्मपाजी वो भी हमारे बीच में आने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा सभी लोग बने रहे हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक धर्म अंकल, देखिए जैसे मेरे हाथ में माइक आता बंद कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई पॉलिटिकल बातें शुरू कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई थिंक धर्म अंकल तब तक आते ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई सवाल आप लोग के जहन में हो जो आप पूछना चाहते हो तो वो आप प्लीज पूछ सकते हैं उतनी देर, जैसे ही धर्म अंकल आएंगे फिर हम लोग वो ट्रेलर लॉन्च और सारा कुछ कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसे बैठे बैठे तो काम नहीं चलने वाला है। कारण यह है कि मैंने बहुत टाइम से एक प्रॉपर एक्शन फिल्म जो है वो नहीं की थी, मतलब इसमें अभी जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत धमाकेदार एक्शन है। और मेरी कुछ 2011 में जो एक बैक की प्रॉब्लम आई थी और उन सब चीजों का वो ये था कि उसके बाद से कोई ऐसी फिल्म मैंने की नहीं थी, कर नहीं पाया था जिसमें कि एक्शन हो और सारा कुछ हो। तो यहाँ हमारे श्याम भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने कई फिल्में हमारे साथ की और फिर ऐसा बोला कि भाई कोई ऐसी जरूर करेंगे जिसमें थोड़ा सा जबरदस्त एक्शन होगा। तो बहुत सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सब कुछ उन्होंने किया। अब धर्म अंकल आ गए हैं तो हम प्लीज जरा हेलो 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 हेलो, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे धर्मपाजी का। हेलो हेलो, जितने भी लोग यहाँ पर इस हॉल में है एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो वही राइट। तो जितनी भी गर्ल्स हैं यहाँ पर जिनकी नियत हुई भी खराब हो रही है हमारे धर्मपाजी को देखकर, तो मैं चाहूंगा अपने दिलों को जरा संभाल कर रखिए क्योंकि धर्मपाजी की वो जो कशिश है आज भी उसी तरह से जिंदा है और वही ताजगी वही सादगी आज तक हमारे। राइट, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एसके पिक्चर्स प्रेजेंट दिल साला संकी के फर्स्ट लुक प्रोमो लॉन्च के लिए। मैं चाहूंगा कि सभी लोगों की निगाहें कलम जरा स्टेज की ओर हो जाए जहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगी है जहाँ पर आप सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं फर्स्ट लुक ऑफ दिल की दिल साला संकी। राइट, ऑल द मीडिया पर्सन प्लीज
Silent,
आप सबको प्यार देता हूँ।